शिवाजी नगर यादव आए, आपके यहां पैसा मांगने आता है तो मुझको सूचित करिए, गुदारी लेके आऊंगा, उसी गली में गड्ढा खोदूंगा और शिवाजी को उसी में दफनाऊंगा। ऐसे हैं हमारे देश के सांसद जो सत्ता के नशे में इस कदर मदहोश हैं कि इन्हें ना ये पता होता कि ये क्या बोल रहे हैं और ना ये पता होता कि ये क्या कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहे ये बड़बोले और बेलगाम नेता बीजेपी के रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा हैं। अब जनाब का गुस्सा तो देखिए, इनके तेवर पर नजर तो डालिए, ये खुलेआम एक IAS अफसर को जिंदा दफनाने की धमकी दे रहे हैं, ये लोगों को भी ऐसा करने के लिए भड़का रहे हैं। अब ऐसा जिम्मेदारी भरा बयान तो बस एक आदर्श सांसद ही दे सकता है जिसे लगता है डरा धमकाकर वो जनता के बीच एक मसीहा बन जाएगा। इसलिए आपसे केवल इतना आग्रह है कि शिवाजी नगर यादव आए, आपके यहाँ पैसा मांगने आता है तो मुझको सूचित करिए, गुदारी लेके आऊंगा, उसी गली में गड्ढा खोदूंगा और शिवाजी को उसी में दफनाऊंगा। दो चार कुदारी आप लोग भी हाथ में लिए रहना, अभी से टवा लीजिए कुदारी को, फरगवाल है कुदारी, सबको गाँव में क्या है फरगवाबा, कुदारी फरगवा के धैर्य रहा, जिन्ना आवे गड्ढा खोदा होगा सारे का काड़ा हो। अब फौजी आ है तो 80% फौजी लोग हैं, फौजियों को बताने लायक मैं कुछ नहीं हूं। करगिल में जाऊ में पाकिस्तान इनका गाड़े थे, वह में शिवाजी यादवों का गाड़े का परी, पाकिस्तान इनका गाड़ के नान थे अपना बच्चे गाड़े ना पाकिस्तान इनका, ये शिवाजी यादव का पाकिस्तान से ज्यादा खराब खतरनाक थोड़ो है। तो सुना आपने, जनाब सिर्फ जिंदा दफनाने की धमकी नहीं दे रहे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि लोगों को अगर कानून से डर लगे तो उनका नाम लिखकर छोड़ देना। वाह नेताजी वाह, साफ नियत और निष्ठा हो तो आपके जैसी। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा क्या हो गया कि नेताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर है, तो जरा आपको भी बता दें, IAS अफसर ने अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसने का घोर पाप कर दिया था, बस इसी बात से भड़क गए सांसद महोदय और दे डाली अफसर को यूं खुली चुनौती। अब नेता किसी भी पार्टी का हो, ऐसे बयान देने से सभी को बचना चाहिए क्योंकि सांसद का पद काफी जिम्मेदारी वाला पद होता है। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट।